नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्लास 8 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में खत्म कहां किया था, मैंने खत्म इस जगह पे किया था। मैंने बताया था कि एक ब्रिटेन के ऑथर थे जिनका नाम था जेम्स मिल। ये भाई इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, किताबें भी लिखते थे, और उन्होंने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा, एक जिसमें हिंदू राज कर रहे थे, एक जिसमें मुस्लिम राज कर रहे थे, एक जिसमें ब्रिटिश राज कर रहे थे। अब देखिए, इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे बांट दिया, यानी कि जो लोग इंडिया में राज कर रहे थे उनके धर्म के हिसाब से आपने इंडिया की हिस्ट्री को बांट दिया। तो क्या ये चीज सही है, क्या मिल साहब ने सही किया? बिल्कुल सही नहीं किया। इंडिया की हिस्ट्री को आप हिंदू हिस्ट्री या मुस्लिम हिस्ट्री के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? चाहे एक हिंदू राजा इंडिया में रूल कर रहा हो, चाहे एक मुस्लिम राजा इंडिया में रूल कर रहा हो, इंडिया की हिस्ट्री तो आप कंबाइंड उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से पता करोगे ना। उस समय की पॉपुलेशन में क्या सब हिंदू ही थे, उस समय की पॉपुलेशन में क्या सब मुस्लिम ही थे। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है दोस्तों, खासकर मुस्लिम धर्म के जन्म होने के बाद 6वीं या 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई थी, और उसके बाद मुस्लिम धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, इंडिया में भी आया। तो इंडिया में हर फेथ के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे। रूलर्स आप देखोगे अलग अलग पार्ट में, कुछ जगह पे हिंदू रूलर्स देखने को मिलते हैं, कुछ जगह पे मुस्लिम रूलर्स देखने को मिलते हैं, और कुछ जगह पे क्रिश्चियन रूलर्स देखने को मिले। तो पोर्तुगीज आके राज किया उन्होंने, कुछ जगह पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, कुछ जगह पे फ्रेंच ने राज किया, कुछ जगह पे अंग्रेजों ने राज किया। तो ये जो तरीका है ना मिल का हमारी हिस्ट्री को बांटने का, ये तरीका है नहीं, ये सही नहीं है। हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते एक समय की हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उस समय पे जो लोग थे वो लोग हर फेथ के थे, उनके लाइफ्स और प्रैक्टिसेस अलग अलग थी। तो अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री को समझना है तो आपकी आपको हर फैसेट को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मिल साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया वो सही नहीं है, तो बाद में किस तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को देख लीजिए, या फिर अभी भी हम जिस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं जो हमारे हिस्टोरियंस ने कुछ हद तक माना है, वो है भैया आप हिस्ट्री को तोड़ दीजिए एंशियंट में, मिडवल में और मॉडर्न में। ठीक है, अब एंशियंट मिडवल और मॉडर्न में आपने तोड़ तो दिया हिस्ट्री को, लेकिन अलग अलग हिस्ट्री में, यानी एंशियंट हिस्ट्री में, मिडवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में चीजों को देखने की अप्रोच क्या है, आपकी अप्रोच की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में सारी मॉडर्न चीजें देखी जाती है, जैसे साइंस की ग्रोथ देखी जाती है, रीजन की ग्रोथ देखी जाती है, डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की और इक्वालिटी की, हर तरीके की ग्रोथ को देखा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। वहीं पे अगर आप मिडवल हिस्ट्री को देखोगे तो मिडवल हिस्ट्री में आप बोलोगे कि ये तो वो समय था जब फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जब डेमोक्रेसी थी ही नहीं, लिबर्टी थी ही नहीं, साइंस थी ही नहीं, रीजनिंग थी ही नहीं। पर आप देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप इंडिया को स्टडी करो, खासकर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखी है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखी है उसमें उन्होंने अंग्रेजों के कॉल को मॉडर्न बताया। तो उन्होंने बताया अंग्रेजों के काल में डेमोक्रेसी थी, रीजनिंग थी, साइंस थी, लिबर्टी थी, ना अंग्रेजों के काल में लिबर्टी थी इंडिया में, ना अंग्रेजों के काल में डेमोक्रेसी थी इंडिया में, ना ही कोई रीजनिंग थी और ना ही कोई इक्वालिटी थी। साइंस थी, बट उस साइंस का प्रयोग लोगों की प्रोग्रेस के लिए नहीं किया गया, उस साइंस का प्रयोग अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करने के लिए किया। तो अगर आप एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन की अप्रोचेस को अगर आपने ठीक से सेग्रीगेट नहीं किया है तो ये क्लासिफिकेशन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर लोगों के पास ना इक्वालिटी थी, ना फ्रीडम थी, ना लिबर्टी थी, और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस थी। जो भी ग्रोथ हो रही थी वो अंग्रेजों की हो रही थी, जो भी पैसा इंडिया से निकल रहा था वो अंग्रेज इंग्लैंड में जा रहा था और वहां के लोग फायदे उठा रहे थे, वहां के जो बिजनेसमैन थे फायदा उठा रहे थे, वहां की इकोनॉमी बढ़ रही थी, इंडिया की इकोनॉमी को तो उन्होंने तबाह करके रख दिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटेन का राज है दोस्तों, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो व्हाट इज कॉलोनियल, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। तो हम लोग इस किताब में ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश रूल ने अपने दिमाग के थ्रू, अपने चालूपन के थ्रू, अपनी इनोवेटिवनेस के थ्रू पूरे के पूरे कंट्री को अपने राज के अंदर दबा दिया, लोकल नवाब्स को, राजाओं को, एक एक करके पावर्स को हटाया। मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, भैया मराठास को हराया एंग्लो मराठा वॉर में, मैसूर को हराया एंग्लो मैसूर वॉर में, सिखों को हराया एंग्लो सिख वॉर में। मेरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज देखिए, या फिर मेरी मॉडर्न हिस्ट्री पे जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाके वीडियोस देखिए, आपको सब पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ।
फिर देखेंगे आपकी धीरे धीरे जो अंग्रेज है वो हमारी इकोनॉमी में घुस गए, हमारी सोसाइटी में घुस गए, अपने एक्सपेंसेस के लिए वो हमारे टैक्स रेवेन्यू, मतलब हमारे टैक्स रेवेन्यू से पैसा निकालते थे। वो करते क्या थे कि इंडिया से गुड्स को लो प्राइसेस में खरीदते थे, फिर इंडिया में वही क्रॉप्स को पैदा करते थे जिसकी रिक्वायरमेंट इंग्लैंड में होती थी। देखिए कितना सारा नील पैदा होता था इंडिया में, इंडिगो पैदा होता था, जबकि इंडिगो की वहां जरूरत पड़ती थी। बाद में जब इंडिगो का अल्टरनेटिव बन गया तो इंडिगो की पैदावार इंडिया में बंद कर दी गई। तो आप देखोगे ब्रिटिश रूल ने अपनी इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी को बदल दिया। तो ब्रिटेन को जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो इंडिया में उगाए, इंडिया से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए वो ब्रिटेन में एकदम सस्ते बिक रहे हैं बाद में, मतलब टेक्सटाइल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपके ब्रिटेन से जो इंडिया में प्रोडक्ट्स आए वो यहां पे बिक रहे हैं, मतलब इंडिया वाले पहले खुद प्रोडक्शन करते थे और अपने देश में बेचते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, प्रोडक्शन कराने लगे इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में, मिलों में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और वो प्रोडक्ट्स शिप करके इंडिया में लेके आए और इंडिया में बेचे, समझ रहे हैं ना। तो अपने एक्सपोर्ट को उन्होंने बढ़ाया, इंडिया से इंडिया में जो उनका सामान आ रहा था उसको उन्होंने बढ़ाया और उससे उन्होंने खूब पैसा कमाया। प्लस इंडिया में जो लोकल ट्रेड ये करते थे उसके ऊपर वो किसी तरीके की ड्यूटी नहीं देते थे या बिल्कुल मिनिमम ड्यूटी देते थे। आप देख ही रहे हैं कि भाई फर्रुख सर के दिए हुए फरमान को किस तरीके से प्रयोग किया हुआ 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था सिराजुद्दौला से, वो उसी फरमान के चक्कर में हुआ था। ब्रिटेन वाले न ड्यूटी भरना चाहते थे, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो अपने प्राइवेट ट्रेड करते थे और किसी भी तरीके का टैक्स सरकार को देना नहीं चाहते थे। तो इस चक्कर में काफी लड़ाइयां हुई। फिर सिर्फ इस चीज में नहीं, सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं, सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, अंग्रेजी रूल ने लोगों की वैल्यूज को बदल दिया, लोगों के टेस्ट को बदल दिया, लोगों के कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को बदल दिया। कुछ हद तक देखा जाए हमारे कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को जो बदला ब्रिटेन ने वो बिल्कुल सही किया। तो भाई क्या सती प्रैक्टिस अच्छी है? अब कोई ये बोलने लगे कि ब्रिटेन हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहा है, सती प्रैक्टिस को रोक रहा है, तो क्या ये गलत होगा? भाई सती प्रैक्टिस को रोक रहा है, सही रोक रहा है। सती प्रैक्टिस कहां से अच्छी हो गई? तुम धर्म के नाम पे तुमने किसी एक लेडी को जलाई मारा बैठाल के, ये कौन सा दिमाग हुआ? बेवकूफों जैसे इनके वो थे, कस्टम्स थे। तो कुछ कस्टम्स को तो बदलना बहुत जरूरी था, लेकिन कुछ कस्टम्स को जबरदस्ती इम्पोज किया अंग्रेजों ने हमारे ऊपर। तो अंग्रेजों ने बताया यूरोपियन कल्चर टॉप का है, इंडिया का कल्चर तो बेवकूफ है, इंडिया वालों को कुछ नहीं आता, इसको सिविलाइज करने की जरूरत है। ये सोच रखते थे कि हमें कुछ हद तक तो देखिए हमें सिविलाइज करने की जरूरत थी, लेकिन वो सिविलाइज करने की ताकत हमारे यहाँ के रिफॉर्मर्स में थी। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या काम किया। ये रिफॉर्मर्स तो इंडिया में आने ही थे कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पे। अंग्रेजों ने आके इसका क्रेडिट ले लिया, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. तो ये बोला गया कि एक कंट्री ने आके जब दूसरे कंट्री पे कंट्रोल किया, उस कंट्रोल की वजह से जब वहां पे पॉलिटिकल चेंजेस आने शुरू हुए, इकोनॉमिक चेंजेस आने शुरू हुए, सोशल चेंजेस आने शुरू हुए, कल्चरल चेंजेस आने शुरू हुए, तो उस प्रोसेस को बोला गया कॉलोनाइजेशन। तो आप देखिए जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था और पॉलिटिकल कंट्रोल था अंग्रेजों का, वो कब शुरू हुआ? तो भैया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तगड़ा शुरू हुआ ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने भैया बिल्कुल न्यूड कॉलोनियलिज्म को हमारे सामने लाके रख दिया। उन्होंने हमारा सोशल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दिया, हमारे जो कल्चर के प्रैक्टिसेस थे, हमारे जो सोशल प्रैक्टिसेस थे, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बाद में जब उन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया और उनको रोकना शुरू किया तो तगड़ा बैकलैश किया। तो अंग्रेजों को समझ में आया कि इनकी सोशल प्रैक्टिसेस के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बात इनको पता चली 1857 में जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। रिवॉल्ट ऑफ 1847 की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस में ब्रिटेन इंटरफेयर कर रहा था। तो ब्रिटेन को समझ में आया कि इंडिया पे अगर राज करना है तो ये जो पागल इंडियंस है ना, इनको अपने दकियानुसी ख्यालात के साथ जिंदा रहने दो, इनको बैकवर्ड ही रहने दो, इनको अगर मॉडर्नाइज करने की कोशिश करोगे तो ये तुमसे लड़ेंगे, इनको बैकवर्ड रह के गुलाम बना के रखो, ये स्ट्रेटजी अपना ली अंग्रेजों ने बाद में। लेकिन कभी ना कभी तो एक आदमी पढ़ लिख के सामने आएगा और आपको हराएगा, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, क्योंकि इंडियंस का जो दिमाग था वो दिमाग तो कमजोर नहीं था। आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो हम पे तब चल जाती जब हम दिमाग से ही बैल होते, अकल के कुंद होते, हमें कुछ समझ में ही ना आ रहा था क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब हमें चीजें समझ में आने लगी, हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे, तब अंग्रेजों को भी जवाब दिया और तगड़ा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए
जो भी चेंजेस हो रहे थे कॉलोनियल हिस्ट्री के दौरान या हमारी मिडवेल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, कभी भी उन चेंजेस का जो इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में। तो अलग अलग क्लासेस ऑफ पर्सन, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ, जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सेम नहीं थे, वो अलग अलग थे। इसीलिए अवर पास्ट जो किताब है इसमें फ्यूचर, इसमें प्लूरल टेन का इस्तेमाल किया गया। मतलब प्लूरल का मतलब क्या हो गया कि भाई देखिए ये चेंजेस थे ना वो बहुत डाइवर्स थे और अलग अलग सेक्शंस पे इन चेंजेस का अलग अलग इफेक्ट था। बस ये बताने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके समझना पड़ेगा और हर एक पर्टिकुलर क्लास को सेंटर ऑफ स्टडी मान के पढ़ना पड़ेगा, तभी उस क्लास की पर्टिकुलर हिस्ट्री आप पता कर पाओगे। अब हम यहां पे देखते हैं कि सबसे पहले तो हिस्टोरियंस ने किन डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया है हमारी हिस्ट्री को लिखने के लिए, ये समझना जरूरी है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जब होता था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। आज की डेट में भी जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे दोस्तों, अब तो देखिए एक नई चीज आ रही है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे ढंग से तो आपको पता होगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ई ऑफिस का इंप्लीमेंटेशन कर रही है, जिसके चलते हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के चलते जो भी फाइलें आएंगी सेंट्रल डिपार्टमेंट में उनकी एक डिजिटल कॉपी बना के इस ऑफिस में अपलोड कर दी जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो रहा है, धीरे धीरे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के 5-6 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हो जाए। अभी के लिए क्या तरीका चलता है स्टेट गवर्नमेंट में और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप जाओगे नौकरी करने दोस्तों, तो एक फाइल बनती है, किसी भी चीज से रिलेटेड बनेगी तो एक फाइल बनेगी। उस फाइल को जैसे आप खोलोगे तो मान लीजिए ये लेफ्ट साइड का पन्ना हो गया, राइट साइड का पन्ना हो गया। राइट साइड के पन्ने पे ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होंगे और लेफ्ट साइड के पन्ने पे इनफॉर्मल, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे ऑफिशियल होंगे, राइट साइड पे भी ऑफिशियल होंगे, बट देखिए ये जो लेफ्ट साइड पे चीजें लिखी जाएंगी इसको बोला जाता है नोटिंग साइट सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिंग साइट पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिंग साइट पे इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है वो लिखा जाता है। तो मान लीजिए किसी पार्टी के ऊपर केस चला, उस पार्टी की एक फाइल बनी, तो उस पार्टी के ऊपर केस में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स नोट किए जाएंगे नोटिंग साइट पे, और जब उस पार्टी को कोई कम्युनिकेशन जाएगा तो वो राइट साइड पे जाएगा। आप अगर IRS या IPS या फिर IAS बनके सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने जाओगे ना, तो जो आपके जूनियर ऑफिसर्स होंगे वो नोटिंग साइट पे पूरे केस को स्टडी करके आपको पुटअप करेंगे, आप उस पर एक डिसीजन लोगे, उस डिसीजन के आधार पे एक पेपर बनेगा जो राइट साइड ऑफ द फाइल पे आएगा। उस पेपर पे आप नीचे साइन करोगे और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी आपका नाम है उसके साथ, वो लेटर्स उस पर्टिकुलर पार्टी को चले जाएंगे। तो इस तरीके से काम होता है। ऐसे बहुत से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटेन टाइम के भी आज की डेट में एग्जिस्ट है। तो उस समय पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना दोस्तों, वो इसी तरीके से होता था। ये जो हमने फाइल कल्चर उठाया है ना अभी की गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, हमने ब्रिटेन से उठाया। ब्रिटेन के ऑफिशियल्स का एक चीज माननी थी कि भैया कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्लान हो, पॉलिसी डिसीजन हो, कोई एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से लिखते हो तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है। उस रिकॉर्ड को अलग अलग लोग पढ़ सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो देखिए एक फैशन शुरू हुआ, रिपोर्ट का, नोटिंग्स का, मेमोस का। तो नोटिंग मैंने बताया कि इंटर डिपार्टमेंटल जो भी बातचीत है या डिपार्टमेंट ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस आपस में जो होंगे उसके लिए आप नोटिंग का प्रयोग कर सकते हो, तो नोटिंग इंपॉर्टेंट होगी। रिपोर्ट क्या हो गया कि भैया एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, कितने शो कॉज नोटिस आए, कितने ऑर्डर इशू हुए, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सब आपका रिपोर्ट्स में शामिल होगा। मेमोस कि भैया अगर आपको किसी भी ऑफिसर से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन लेना है तो आपने उस ऑफिसर को एक मेमो इशू कर दिया जिसमें आपने लिखा कि भाई तुम्हारी ये गलती, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दो, फिर वो ऑफिसर अपना रिस्पॉन्स नोट करेगा। तो मेमो नोटिंग रिपोर्ट का फैशन शुरू हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गए। इस तरीके के बहुत सारे लेटर्स इंटर डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे ब्रिटेन एरा में, वो सारे लेटर्स आज भी प्रेजेंट है, उनको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। ब्रिटेन ने यह हैबिट बनाई कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होंगे उन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बगल में एक रिकॉर्ड रूम होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज में, ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में चले जाइए, जहां पे भी फाइलों वगैरह का, और फाइलों का काम तो देखिए हर जगह डिपार्टमेंट में होता ही है, जहां पे भी फाइल का काम हो रहा होगा बगल में एक रिकॉर्ड रूम होगा या फिर आसपास कोई रिकॉर्ड रूम होगा जहां पे फाइल को मेंटेन किया जाता होगा। तो भाई चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे प्रोविंशियल सेक्रेटरीट हो, लॉ कोर्ट हो, हमारी जुडिशरी हो, रिकॉर्ड रूम है, हर जगह एक रिकॉर्ड बना के रखा गया फाइलों का। तो आज की डेट में जो पुराने समय पे चीजें हुई थी
वो आज के आर्काइव्स में मिल जाएंगे, म्यूजियम्स में मिल जाएंगे। ये आर्काइव्स और म्यूजियम्स बहुत पहले अंग्रेजों के राज के दौरान ही बना दिए गए थे। तो जितने भी लेटर्स और मेमोज उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इधर से उधर घूमा करते थे, वो आज आपको इन आर्काइव्स और म्यूजियम में मिल जाएंगे। आप जाके पढ़ सकते हो अगर आपके पास उन आर्काइव्स के म्यूजियम के अंदर जाने की परमिशन हो, ठीक है। तो उनको पढ़ के आप ये पता कर सकते हो कि उस समय की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे होता था। हालांकि अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज भी अगर आप अगले एक से दो सालों में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में चले जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे हुआ करता था, एक गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंदर से किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ब्रिटेन के समय में क्या होता था कि जब प्रिंटिंग नहीं आई थी दोस्तों, तो इस तरीके की चीजें ऑफिशियल्स लिखते थे। ऑफिशियल्स जब उनको लिख लिया करते थे दोस्तों, तो उसके बाद कुछ कैलीग्राफिस्ट को हायर किया जाता था। ऑफिशियल्स की लिखी हुई चीज को कैलीग्राफिस्ट सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा करते थे और उसके बाद उसको प्रिजर्व किया करते थे, क्योंकि अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग मशीन तो आई नहीं थी, तो सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। अब कोई चीज आप हाथ से लिख रहे हो, कोई ऑफिशियल मान लीजिए कोई चीज हाथ से लिख रहा है, हो सकता है उसकी राइटिंग अच्छी ना हो, तो उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करोगे क्या? तो नहीं, कैलीग्राफिस्ट को हायर किया गया, ये अच्छा लिखते थे, इनकी राइटिंग अच्छी होती, तो इनसे बोला जाता था कि भैया ब्यूटीफुल तरीके से इस चीज का रिकॉर्ड बना दो। 19th सेंचुरी के आधे तक आते आते 1850 आते आते प्रिंटिंग आ गई। प्रिंटिंग आ गई तो किसी एक रिकॉर्ड की मल्टीपल कॉपीज आपने एक समय पे बना ली, तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में क्या बातचीत कर रहा है, उसकी आपने कई सारी कॉपीज बना के आराम से सर्कुलेट कर दी, तो प्रिंटिंग से चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 1920s में जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था, इसकी ये फोटो है जबरदस्त, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे पुराने समय के। आप देखिए दोस्तों कि न्यू दिल्ली जब बना था तो उस समय जो वाइसरॉय पैलेस था उसके पास ही नेशनल म्यूजियम बनाया गया और नेशनल आर्काइव्स बनाया गया। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन के दौरान इन आर्काइव्स को, इन म्यूजियम्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कितनी वैल्यू दी जाती थी। जैसे देखिए राइट साइड पे यहाँ पे 1946 में किस तरीके की रिपोर्ट्स जाती थी होम डिपार्टमेंट को, ये लिख रखा है। आपको पता है रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई थी दोस्तों 1946 में, उस समय पे इस म्यूटनी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, अलग अलग डॉकयार्ड्स में म्यूटनी हो गई थी, आपके मुंबई में भी ये म्यूटनी हुई थी। तो अब देखिए किस तरीके की रिपोर्टें जा रही है। बॉम्बे में देखिए क्या रिपोर्ट गई, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। कराची से रिपोर्ट गई 301 म्यूटिनियस आर अंडर अरेस्ट एंड फ्यू मोर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड। क्या बोला जा रहा है भाई कि देखिए बॉम्बे में आर्मी ने रॉयल नेवी शिप्स के अंदर जो म्यूटिनियर्स हैं उनको पकड़ रखा है, उनको ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है। यही चीज कुछ ऐसी ही चीज आपकी कराची में कही जा रही है कि 301 म्यूटिनियर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, आगे भी चीजों को अरेस्ट किया जाएगा, मिलिट्री गार्ड के अंदर रखा गया है ताकि म्यूटिनी ना हो। बॉम्बे में क्या बोला गया कि आर्मी ने शिप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स का कंट्रोल ले लिया है, कोई बवाल होगा तो रोक देंगे। उसी तरीके की कुछ रिपोर्ट आपकी विशाखापट्टनम से आती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि सेंट्रलाइज जो अथॉरिटीज बैठती थी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट से किस किस तरीके की रिपोर्ट आती थी। बॉम्बे से ये आई, कराची से आई और विशाखापट्टनम से ये आई। अब हम बात करते हैं सर्वेस की। सर्वे हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अगर आप कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखो दोस्तों, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करो, उनकी कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, वो चीजें हालांकि हमारे लिए अच्छी नहीं थी पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी थी। ब्रिटिशर्स को ये पता था कि अगर किसी इलाके पे हमको राज करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, तो हमें उस इलाके को जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए उसको सर्वे करना बहुत जरूरी है। तो भैया मैप बनाए गए सारे इलाकों के, और मैप बनाने के लिए आपको हर इलाके का डिटेल्ड सर्वे करना पड़ेगा। तो गाँव में जाके डिटेल सर्वे किया गया। सर्वे किस चीज का किया गया? तो टोपोग्राफी का सर्वे किया गया, कितनी सॉयल क्वालिटी है वहां पे, क्या क्वालिटी है, किस तरीके का वहां पे फ्लोरा फौना है, लोकल हिस्ट्री वहां की कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न वहां का कैसा है। क्योंकि जब आप सर्वेइंग अच्छी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज उगाई जा सकती है, आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपने देखा कि अगर इस जगह पे राज करना है तो हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ के लोग कौन है, तो कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, हिंदू में कौन कौन सी कास्ट के लोग हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, तो इसके लिए सेंसस कराना पड़ेगा। तो हर 10 साल पे सेंसस होने लगा फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों सबसे पहला सेंसस कौन से साल में हुआ था, ठीक है। तो इन सेंसस में डिटेल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे कि भैया कितने लोग अलग अलग प्रोविंसेस में रह रहे हैं, उनकी कास्ट कौन कौन सी है, कौन सा धर्म वो फॉलो करते हैं और कौन से ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे बोटैनिकल सर्वेज हुए, जूलॉजिकल सर्वे हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ, फॉरेस्ट सर्वे हुआ,
इनके लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया। कब बनाया गया, कभी इसकी डेट जानने की कोशिश की है? तो आप ये देखोगे दोस्तों कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया 1890 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया 1861 में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया 1916 में। ये सब अंग्रेजों के टाइम के समय पे ही बने, क्योंकि अंग्रेजों को चीजें जाननी थी तो उन्होंने इस तरीके के सर्वे बनाए। आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है दोस्तों, ये कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है 1770। एक तरीके से ड्रॉइंग ही बना रखी कस्टर्ड एप्पल प्लांट की। तो ये लोग करते क्या थे अंग्रेज, जो बोटेनिकल गार्डन ये सेटअप करते थे और जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये सेटअप करते थे, तो बोटेनिकल गार्डन्स में अलग अलग प्लांट स्पेसिमेंस को ये मेंटेन करते थे और उन प्लांट स्पेसिमेन में सारी इंफॉर्मेशन को कोट करते थे। फिर आसपास जो पेंटर हुआ करते थे ना, उनसे बोला करते थे कि इन स्पेसिमेंस की इमेजेस बनाइए और उन इमेजेस को भी अपने रिकॉर्ड्स में ये लोग मेंटेन करते थे। तो इस तरीके से ये लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते थे, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है। अगर उस तरीके का पौधा किसी और भाग में लगाना है तो क्या पौधा ले जाओगे, हो सकता है खराब हो जाए, तो आप एक काम करो कि भाई उस रिकॉर्ड को लेके जाओ। तो वहां अगर एक जगह के फ्लोरा को दूसरे जगह के फ्लोरा से कंपेयर करना है तो अगर आपके पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है, इस इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि किस तरीके से कोलोनियलिज्म काम करता था। कोलोनियलिज्म में लूटमार हुई है, बट उस लूटमार के लिए भी एक बैकग्राउंड वर्क की जरूरत थी। ये बैकग्राउंड वर्क किया ब्रिटेन ने। फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारी चीजें इन रिकॉर्ड्स में लिखी हुई हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी जो उस समय पर राज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा है। जो उस समय पे लोग सोचा करते थे उनका थॉट प्रोसेस इस रिकॉर्ड में नहीं लिखा है। तो उस समय पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो जिन चीजों में इंटरेस्टेड थे, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते थे, ये सब चीजें लिखी हैं। बट वो जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जिन लोगों के ऊपर राज करते थे, वो लोग क्या सोचते थे, वो लोग क्या चाहते थे, इसके बारे में इन रिकॉर्ड्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस इमेज में देखने को मिलेगा। इस इमेज में ये दिखा रखा है कि जो सेपॉयस थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया, वो कैसे लूट मार के सामान को यहाँ पे लूट रहे हैं। तो कुल मिला के ब्रिटेन इस इमेज के थ्रू ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो सेपॉयस थे इन्होंने लूट मार के लिए सब चीजें कही थी। ये सेपॉयस ग्रीडी थे, विशियस थे, ब्रूटल थे, जबकि ये वजह नहीं थी दोस्तों। ये लोग अंग्रेजी नियम से परेशान हो चुके थे, जमींदार इनको लूट रहे थे। किसान करेगा का, किसान ने सबसे पहले रिवॉल्ट में क्या किया, जमींदार का बही खाता जला दिया। उस बही खाते में लिखा था कि भाई कौन से पीजेंट से कितना पैसा लेना, वही जला दिया, तो पीजेंट के ऊपर का उधार चला गया। इस तरीके की चीजों के लिए लड़ रहे थे ये लोग। लेकिन अंग्रेजों ने क्या दिखाया कि भाई ये ग्रीडी हैं, लालची हैं, ब्रूटल हैं, मारने वाले हैं, क्रूअल हैं। यहां पे देखिए काम चल रहा है दोस्तों, तो बंगाल में मैपिंग और सर्वेइंग का काम चल रहा है। तो किसी एक जगह पे कितने सारे इक्विपमेंट्स को लेके लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और जगह जगह को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, नापने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायग्राम बनाया था जेम्स प्रिंसप ने। यहाँ पे देखिए टावर और टावर के ऊपर से भी लोग देख रहे हैं चीजों। जेम्स प्रिंसप 1832 में इस ड्रॉइंग को जेम्स प्रिंसप ने बनाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो जर्नल था ना, उसके फाउंडिंग एडिटर थे जेम्स प्रिंसप, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसप का जहां पे भी नाम आएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कभी कभी सवाल बन जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और यहां पे चीज दे रखी, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। न्यूज़पेपर जो थे उस समय के, अच्छा इस पे थोड़ी देर में आते हैं, ये चीज आपको अभी कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगी, अभी कुछ चीजें बता दूंगा फिर आपको समझ में आएगी। अगर आपको उस समय के लोग क्या सोचते थे, उस समय के लोग क्या चाहते थे, इस चीज को समझना है, तो आपको लोगों के दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग के अंदर आप ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं झांक सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे लोगों के रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। तो जो लोगों ने डायरिया लिखी वो देखनी पड़ेंगी, जो पिलग्रिम्स वहां पे गए, जो बाहर के देश के पिलग्रिम्स वहां पे जाते थे, उनके जो उन्होंने चीजें लिखी, जो ट्रेवलर्स ने ट्रेवलॉग्स लिखे, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की। फिर उस समय के बाजारों में कुछ लोकल किताबें बिका करती थी जो कि लोकल राइटर्स ने लिख रखी थी, वो काफी फेमस होती थी। और ये सब चीजें कैसे हुई, क्योंकि प्रिंटिंग आ गई, तो प्रिंटिंग का एक्सेस ना केवल अंग्रेजों को मिला, इंडियंस को भी मिला। तो भैया लोकल लैंग्वेजेस में, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपने लगे। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस समझते हैं ना भाई, किसी की लोकल लैंग्वेज, तो एक तमिलियन है तो उसकी वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या होगी, तमिल होगी। केरला वाले के लिए मलयालम होगी, हैदराबाद वाले के लिए तेलुगु होगी, नॉर्थ इंडिया वाले के लिए हिंदी होगी, समझ गए। तो इन्हीं लोकल पब्लिकेशंस के थ्रू जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज को फैलाया, नॉवेल्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू,
इस तरीके से उन्होंने चीजों को फैलाना शुरू किया। लेकिन यहां पे भी आप एक चीज देखोगे कि ये जो चीजें लिख रहे थे लोग, उनके पास भी एक प्रिविलेज था कि वो पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखे लोग क्या सोचते थे वो तो आपको इन चीजों में लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो क्या सोचते थे वो आपको इन किताबों से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्राइबल्स और पीजेंट्स के रिकॉर्ड्स हमको सीधे सीधे मिल नहीं रहे। ये लोग जो कि माइंस में काम करते थे, सड़कों पर एकदम गरीब थे, स्ट्रीट हॉकर्स हो गए, इस तरीके के लोग क्या सोचा करते थे, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या डिमांड्स थी, ये एक्चुअली में क्या सोचते थे, उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कैसी थी, समय कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये हम नहीं जान पाए। लेकिन इसके बारे में भी हम जान सकते हैं अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें, और वो एफर्ट हमको आगे इस किताब में होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे हम किताब में आगे पढ़ेंगे हमको ये चीजें मालूम पड़ेगी। हम यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग है। 1946 में पुलिस स्ट्राइक हुई, 2000 पुलिसमैन दिल्ली में कहा उन्होंने कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे, जो पुलिस लाइन किचन में जो हमको खाना मिलता है हम ये नहीं खाएंगे। इन पुलिस वालों का ये बोलना था, हमको जो तनख्वाहें दी जाती हैं वो बहुत कम है, हमको जो खाना दिया जाता है वो बहुत बेकार है, हमको थोड़ी अच्छी सुविधाएं दीजिए। जैसे ही दिल्ली में स्ट्राइक हुई, ये खबर दूसरी जगहों पर फैली, दूसरी जगह के पुलिस लाइंस के लोगों ने भी स्ट्राइक कर दी। उन्होंने बोला हमारे किचन में जो खाना मिलता है दिस इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, जो चपाती और दाल हमें मिलती है वो कैटल यानी भेड़ बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये अंग्रेजों को इतना अच्छा खाना चिकन मटन बन रहा है और हमको ये क्या बकवास मिल रहा है। ये 22 मार्च 1946 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। तो अगर उस समय की लोकल हिस्ट्री को आपको खंगालना है तो आपको इस तरीके के सोर्सेस को रेफर करना पड़ेगा। तो ये था पार्ट टू दोस्तों चैप्टर टू का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। दोस्तों मैं बहुत डिटेल में एनालाइज करके चीजें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।